शहर की हलचल के बीच आप एक थरथराई आवाज सुनते हैं और आपके सामने आ जाता है ये सफेद गले वाला किंगफिशर। आज इस वीडियो में हम जानेंगे सफेद गले वाले किंगफिशर के बारे में और ये भी जानेंगे कि कैसे जापान की हवा से बातें करने वाली बुलेट ट्रेन की एक बहुत बड़ी समस्या को ठीक किया गया था इसी पक्षी की मदद से। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, सफेद गले वाला किंगफिशर। अगर टेक्सोनोमी के लिए बात करें, इसकी क्लासिफिकेशन की, तो सफेद गले वाला किंगफिशर एव्स क्लास को बिलोंग करता है ऑर्डर कोरैसिफॉर्म्स, यानी बहुत सारे रंग बिरंगे पक्षी इस ऑर्डर में आते हैं। जैसे कि पिछला पक्षी जिसके बारे में आपको अगर जानना हो तो आप आई बटन में क्लिक कर सकते हैं, द ग्रीन बी ईटर। इसकी जीनस हेल्सियन है। हेल्सियन एक पौराणिक पक्षी है जिसे माना जाता है कि वो शांतिपूर्ण दिनों की सौगात लाते हैं। अगर इसकी रेंज की बात करें तो यह दक्षिण एशिया के ज्यादातर देशों में पाया जाता है, तुर्की, अफगानिस्तान, फिलीपींस, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चाइना, इजिप्ट, इंडिया और ये पाकिस्तान, सिंगापुर, श्रीलंका, सीरिया, ये सभी हिस्सों में सफेद गले वाला किंगफिशर बड़ी आसानी से मिल जाता है। सफेद गले वाले किंगफिशर को कृषि क्षेत्रों के आसपास रहना पसंद है, दलदलों के आसपास, तालाबों के पास, झीलों के पास, पार्कों, और इसे पसंद है जल निकासी वाली जगहों पर। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका जो खाना है वो इन जगहों पर बहुत आराम से इसे मिल जाता है। ये खाता क्या है? कहते हैं कि अगर आपको परफेक्ट फिशरमैन बनना हो तो हमारे इस किंगफिशर से सीखिए कि कैसे मछलियां पकड़ते हैं। जी हाँ, इसका सबसे फेवरेट फूड है मछली। वैसे इसे हम कार्निवोरस यानी मांसाहारी श्रेणी में डालते हैं क्योंकि ये कीड़ों को, टिड्डों को, बीटल, मेंटिस, चीटिया, डीमक, ड्रैगन फ्लाई, स्कॉर्पियंस, ग्रास होपर्स, बिच्छू, केकड़े, सेंटीपीड्स, छिपकलियां और चूहों को बड़े मजे से खाता है। इसे मेंढक भी पसंद है अगर मिल जाए तो, इसे छोटे छोटे पक्षी भी पसंद है। तो क्योंकि ये बहुत से ऐसे कीड़ों को खाता है जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे रोडेंट्स को खाता है जो फसल को अंदर ही अंदर उसकी जड़ों को खोखला करती हैं और किसान को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, तो इस वजह से इसे फार्मर्स फ्रेंड भी कहा जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि फार्मर्स फ्रेंड और कौन होता है, जो कि छोटा सा जीव होता है जिसकी आंखें भी नहीं होती लेकिन वो पिछले कई सदियों से पृथ्वी पर मौजूद है और उसे हम एक नोबल क्रिएचर कहते हैं, उसे हम सॉयल इंजीनियर कहते हैं, उसे हम कई नामों से जानते हैं। एरिस्टोटल ने तो इसे इंटेस्टाइन ऑफ द अर्थ भी कहा है। तो चलिए देखते हैं आप में से कौन ये बता पाएगा कि आखिर वो बिन आंखों वाला कौन सा जीव है जो फार्मर्स बिगेस्ट फ्रेंड है। तो खाने के बाद अब बारी आती है कि आप इसे कैसे पहचानेंगे। जी हाँ, इसे पहचानना बड़ा ही आसान है क्योंकि ये अपने आप में ही एक रॉयल पक्षी है, एक शाही पक्षी है। अगर आप इसके शरीर की रचना देखेंगे तो ये एक मीडियम साइज का पक्षी है जिसका शरीर छोटी काठी का है। इसकी चोंच काफी मोटी और लाल रंग की होती है। इसके सर और गर्दन और शोल्डर्स और बेलीज पे आपको चेस्टनट ब्राउन कलर मिल जाएगा जिसे हम चॉकलेट कलर भी कहते हैं। इसके पंख और इसकी पूंछ पर एक बहुत ही चमकीला नीला रंग है जो काले रंग से बड़ा ही मेल खाते हुए उभर कर सामने आ रहा है। इसके पंखों के डिस्टल एंड यानी जो सबसे आगे, सबसे यू नो शरीर से दूरी पे जो सबसे एंड का पार्ट है उस पे आपको काले रंग की आउटलाइन मिल जाएगी। बड़ी फुर्सत से इसे कुदरत ने हमारे लिए बनाया है लेकिन जो इसको सबसे अलग पहचान देता है वो है इसका सफेद रंग जो कि गले और छाती पर एक टाई के जैसा लगता है। तो इसी वजह से इसे सफेद गले वाला किंगफिशर कहा जाता है। लाल रंग के इसके पैर हैं और इसकी लंबाई 27 से 28 सेंटीमीटर है। बहुत बड़ा पक्षी नहीं होता है लेकिन ये बड़ा काम का पक्षी है। अब काम का आप पूछेंगे कैसे?
चलिए पहले बात कर लेते हैं कि कहाँ रहते हैं। ये पसंद करते हैं अपना घोंसला या अपना नेस्ट मड होल्स में बनाना, यानी कि मिट्टी की, जो आपने टीले देखे होंगे नदियों के किनारे या पानी के सूखी हुई जो भी झील हो वहां पे, उस मिट्टी में ही अपना जो है ना होल बनाकर रहना पसंद करते। अब आइए आते हैं ये काम का कैसे है कि जब बुलेट ट्रेन्स को बनाया जा रहा था तो जापान के इंजीनियर्स बड़ी तकलीफ में थे। वो एक बहुत बड़ी समस्या जो थी उसका समाधान ढूंढ रहे थे। क्या समस्या थी कि जब बुलेट ट्रेन किसी टनल से होकर गुजरती थी तो उसके बाहर निकलते टाइम एक बहुत जोर की आवाज होती थी, ऐसे जैसे एक बंदूक चली हो या कोई बम फूटा हो, बहुत ही बूम, सोनिक बूम की आवाज होती थी। तो ये आवाज बड़ी ही परेशानी का विषय थी अंदर बैठे यात्रियों के लिए भी और बाहर रह रहे स्थानीय लोगों के लिए भी। और इसका सोल्यूशन कैसे मिला, जो मुख्य इंजीनियर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे वो बहुत ही उम्दा बर्ड वॉचर थे और उन्हें बर्ड्स ने बड़ा प्रेरित किया और स्पेसिफिकली हमारे किंग फिशर ने उन्हें बड़ा प्रेरित किया। जब उन्होंने किंग फिशर को शिकार करते हुए देखा, जब आप उनको देखेंगे तो आप पाएंगे कि किंगफिशर जब शिकार करता है तो बड़ी ही शांति से जाता है पानी के अंदर, पानी को पीछे हटाते हुए, ना कि पानी से आगे निकलते हुए। वो पानी को साइड में हटा के अपनी चोंच से और उस मछली को पकड़ के और बड़ी ही तेजी से वो बाहर आ जाता है। जब उन्होंने ऐसा देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि हम अपनी इस समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं। और फिर उन्होंने बुलेट ट्रेन की जो आगे का हिस्सा था उसे शेप दे दी किंगफिशर की बिल यानी चोंच के जैसा। और जब उन्होंने ऐसा किया तो उनकी सारी समस्या जो थी वो दूर हो गई थी और उनकी जो ट्रेन थी वो ना सिर्फ ज्यादा तेज गति से भागने लगी, उसकी आवाज की भी समस्या खत्म हो गई, बल्कि बिजली भी बचाई गई। तो ये एक छोटे से बर्ड ने देखिए कितनी बड़ी परेशानी जो थी वो सॉल्व कर दी हमारी। हमें बस नेचर से जुड़ने की जरूरत है, हमारे सभी परेशानियां हैं जो वो दूर हो जाएंगी। तो जिस तरीके से किंगफिशर पानी को काटते हुए एक हल्के फोर्स से वाटर को पुश करता है अपने रास्ते से, वही प्रिंसिपल लगा के बुलेट ट्रेन को रीशेप किया गया और फिर हमारी जो नॉइस की प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल दूर हो गई। सो अगर आप प्रकृति से जुड़ेंगे, प्रकृति के पास जाएंगे तो आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जैसे कि टनल प्रॉब्लम हमारी बुलेट ट्रेन की थी वो दूर हो गई थैंक्स टू किंगफिशर। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का आप मजा ले सकें और नए नए पक्षियों के बारे में जान सकें। लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स और फैमिली भी बर्ड वॉचिंग से जुड़ सकें। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कौन है वो फार्मर्स फ्रेंड जिसकी आंखें नहीं लेकिन बड़े काम का है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।